हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट टेंशनिंग स्लैब, जिसको हम पीटी स्लैब भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि पीटी स्लैब क्या होती है और हम क्यों डालते हैं और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके, और एग्जैक्टली इसके पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं जिसकी हेल्प से हम पीटी स्लैब को डालते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, आज हम एक साइट विजिट पर आए हुए हैं और ये हमारा बेसमेंट है, नॉन टावर है, जिसकी स्लैब में हमने पीटी स्लैब को यूज़ किया है। तो दोस्तों, मैक्सिमम ये जो पीटी स्लैब है, हम इसको बेसमेंट के स्लैब्स में यूज़ करते हैं। जैसे भी आप रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा हम जो इसका बेसमेंट की जो स्लैब होती है, जो नॉन टावर एरिया होता है हमारा, हम वहाँ पर पीटी स्लैब को यूज़ करते हैं। एंड इसको यूज़ करने का जो हमारा एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये होता है कि जैसे अगर मैं नॉन पीटी स्लैब की बात करूँ तो नॉन पीटी स्लैब में मेरा जो स्टील होता है वो तकरीबन 3.5 से 4 किलो पर स्क्वायर फीट आता है। लेकिन वहीं अगर मैं पीटी स्लैब को यूज़ कर रहा हूँ तो पीटी स्लैब के यूजेज में मेरा यही स्टील की जो क्वांटिटी होती है वो 2 किलो तक आ जाती है, जिससे कि मेरी कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा इसका मेन पॉइंट जो है वो ये है कि जो जैसे अगर मैं अपने बेसमेंट की या नॉन टावर की स्लैब में अगर मैं जो उसकी थिकनेस है, अगर मैं पीटी और नॉन पीटी की बात करूँ तो जो मेरा पीटी स्लैब में थिकनेस होगी वो थोड़ी कम होती है कंपैरिजन टू नॉन पीटी स्लैब। मेरी नॉन पीटी स्लैब में थिकनेस ज़्यादा होती है, इसकी वजह से मेरी जो आरएमसी की क्वांटिटी होती है, जो कॉन्क्रीट की क्वांटिटी होती है, वो मेरी थोड़ी कम हो जाती है पीटी स्लैब में, जिसकी वजह से थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों, जब मेरा स्टील एंड जो मेरा आरएमसी है वो मेरा कम हो जाएगा तो पीटी स्लैब मेरा कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपैरिजन टू नॉन पीटी स्लैब। तो यही इसके रीजंस हैं जिसके लिए हमें पीटी स्लैब प्रेफर्ड करते हैं। तो दोस्तों, आज आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो जैसे ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये मेरी स्लैब है एक, एंड इसमें ये जो आप वायर्स देख रहे हैं, ये जो वायरिंग जा रखी है, इसको हम टेंडन्स बोलते हैं। तो ये सीधा जा रखा है, इधर भी देखिए ये सीधा है और फिर ये वर्टिकल है। तो हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेंडन्स डाले जाते हैं इसमें, एंड इनके अंदर वायर्स होते हैं। तो वायर्स कौन से होते हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ चलते हैं तो इन टेंडन्स को हमने कॉर्नर्स पर डाला हुआ होता है, एंड यहाँ इसके वायर्स भी यूज़ होते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो देखिए, ये इसकी यहाँ से जाके ये वायर्स इसमें जा रहा है और हम इस पाइप के अंदर वायर है। दोस्तों, इसका जो मेन फंडा होता है वो ये होता है, देखिए अगर ये सामने आप देखें, ये जो हैं ये इसके टेंडन्स के वायर्स हैं मेन, ठीक है, इनको हम टेंडन्स बोलते हैं। और अगर आप सामने देखेंगे उसमें, अगर आप ये सामने देख पा रहे होंगे तो देखिए ये टेंडन्स निकले हुए हैं यहाँ पर। अगर आप ये देखें तो देखिए ये टेंडन्स निकले हुए हैं यहाँ पर और हम इसको टाइट करते हैं। अब टाइट कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, हमारा पीटी स्लैब तैयार है। ये जो मेरा पोर है ये रेडी फॉर कास्टिंग है और अब हम इसकी कास्टिंग करेंगे, ठीक है। हमने इसकी जो स्लैब का रिइंफोर्समेंट है वो हमने डाल दिया है, टॉप एंड बॉटम का चेयर्स प्रॉपर लगा दी हैं, एंड कवर ब्लॉक्स भी हम लगा चुके हैं इसमें और अपने टेंडेंस भी डाल चुके हैं। और अगर आप सामने देखें तो इसमें कॉन्ड्यूट का काम भी मेरा कंप्लीट है, तो अभी ये रेडी टू पोर है। अब हम इसकी ऐसे ही कास्टिंग कर देंगे। कास्टिंग करने के बाद क्या होगा कि जब ये एक सेट हो जाएगा, आफ्टर जो 7 to 8 hours से जो मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, जब ये सेट हो जाएगा तो ये जो टेंडेंस होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टेंडेंस होते हैं सेट होने के बाद इन्हें टाइट किया जाता है। तो देखिए, ये यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है यहाँ पर हमने इसको रोकने के लिए, और ये इसके टेंडेंस निकले हुए हैं। तो ये मेरी एक स्लैब है जो मुझे कास्ट करनी है, और इसके पास में ही ये मेरी जो स्लैब आप देख रहे हैं सामने, ये मेरी पीटी स्लैब कास्ट हो चुकी है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कास्ट होने के बाद क्या होता है कि देखिए, जब मैं इसे कास्ट कर चुका हूँ तो यहाँ पर टेंडेंस को मैंने टाइट किया है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो देखिए, प्रॉपर यहाँ पर वर्सल्स वगैरह लगे होते हैं, एंड इसकी मदद से मैं इसको टेंडेंस को टाइट करता हूँ। मतलब यहाँ से भी इसको खींचूंगा और उसके अपोजिट साइड से भी इसको खींचूंगा, सेम इसके इस साइड से भी मैं इसको टाइट करूंगा और उस साइड से भी टाइट करूंगा। तो जब ये कास्ट हो जाती है, कास्ट होने के बाद मैं इसके टेंडेंस को प्रॉपरली मशीन के थ्रू टाइट करता हूँ, और ये जो वायर है इसके अंदर वो, जिससे कि वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। टाइट होने की वजह से वो और स्ट्रेंथ अटेन कर लेता है और वो स्लैब को सपोर्ट भी करता है, वो पकड़ के रखता है स्लैब को। यही एक रीज़न है इसमें स्टील और आरएमसी की क्वांटिटी कम लगती है और ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो यही एक मेन रीज़न है इसको लगाने का, और स्ट्रेंथ हमारी इसकी प्रॉपर ही आती है, तो इसीलिए हम पीटी स्लैब यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये मेरा एक नॉन टावर एरिया है एक प्रोजेक्ट का,
ये मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक प्रोजेक्ट में हूँ इस समय, और मैं यहाँ पर, तो अगर आप, मैं इस जगह पर आता हूँ तो देखिए, ये मेरा जो पोर है, ये जो सामने वाला पोर है, ये मुझे पीटी स्लैब से कास्ट करना है, और इसका जो एरिया है अप्रोक्स 7,500 स्क्वायर फीट के आसपास है जो एरिया मुझे कास्ट करना है। अगर आप सामने देखेंगे तो देखिए, ये प्रॉपर देख, यहाँ से मेरा वो सामने, ये जो अगर कॉर्नर की बात करें तो ये वाला जो मेरा आ रहा है, एंड यहाँ पर जाके इसके टेंडन्स आप देख रहे होंगे, ये इसके टेंडन्स हैं, ठीक है। इसको कास्टिंग के बाद हम टाइट करेंगे वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, और इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर एक, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने फिक्स किया हुआ है। इसका मेरा मेन रीज़न फिक्स करने का यही है कि जब इसकी मदद से ही मैं इनको, इसके टेंडन्स को टाइट कर पाऊँगा, ठीक है। दोस्तों अब बात आती है पीटी को, जो मेरी पीटी स्लैब है, तो इसमें जो टेंडन्स वगैरह लगते हैं और जो अलग से मैनपावर लगती है, जो ठेकेदार लगता है, उसकी कॉस्ट भी आएगी, ये सिंपल सी बात है। तो हाँ दोस्तों, उसकी भी एक कॉस्ट हमारी एक्स्ट्रा आती है, और वो कितनी आती है मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया बताता हूँ। तो देखिए, ये जो आप सामने इस प्रोजेक्ट का बेसमेंट देख रहे हैं, ये मेरा नॉन, ये जो सामने से पूरी मैं बात करूँ तो ये मेरा पूरा बेसमेंट है, ठीक है। और इस बेसमेंट की मैं बात करूँ तो इस बेसमेंट में मेरी एक, मेरी सिंगल बेसमेंट है, एंड एक मेरा पोडियम स्लैब है। तो इसमें पोडियम स्लैब में एंड में बेसमेंट में अगर मैं बात करूँ तो आप इसको अपर बेसमेंट और लोअर बेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपर और लोअर बेसमेंट में इसमें कास्टिंग करूँगा, और दोनों में मेरा पीटी स्लैब का काम हो रहा है। तो अब इसका जो मेरा पीटी स्लैब जो सामने है, इसका जो मेरा वर्क ऑर्डर है, वो मेरा वर्क ऑर्डर 88 लाख रुपीज़ का है अप्रॉक्सीमेटली, विदाउट जीएसटी। और मैं जीएसटी, अगर इस पर जीएसटी 18% है, अगर मैं जीएसटी को भी जोड़ूं इसके ऊपर, तो ये मेरा अप्रॉक्स 1.05 करोड़ के आसपास आता है, 1.05 करोड़, 1.06 करोड़ के आसपास आता है विद जीएसटी कॉस्ट। इसके बाद दोस्तों, ये जो मेरा बेसमेंट है, ये मेरा बेसमेंट का एरिया अराउंड 3.5-4 लाख स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो 3.5-4 लाख स्क्वायर फीट में मेरा 1 करोड़ रुपए का पोस्ट टेंशनिंग का काम आता है, और इजी के लिए आप पकड़ सकते हैं कि 4 करोड़, मेरा 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया के लिए मेरा 1 करोड़ के आसपास का पोस्ट टेंशनिंग का काम आता है। तो अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं, तो इसमें मैं जो मेरा 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, इसमें मेरा मोटा मोटा 4-5 करोड़ रुपए के आसपास की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी इस एरिया में पीटी स्लैब की हेल्प से। अगर मैं पीटी स्लैब को ना यूज़ करूं इसमें, तो मेरा जो कॉस्ट आएगी बेसमेंट्स की, अपर एंड लोअर बेसमेंट की, ये मेरी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4-5 करोड़ ज़्यादा आएगी कंपेरिजन टू पीटी स्लैब। तो यही एक मेन रीज़न है मेरा, मैं यहाँ पर पीटी स्लैब को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पीटी स्लैब का काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा कि पीटी स्लैब क्या होती है, टेंडेंस क्या होते हैं, हम इसे करते क्यों हैं, और टेंडेंस को हम बिछाते कैसे हैं। कि जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, हमने इसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली प्लेस किया हुआ है, ये देखिए आप प्रॉपर देख भी पा रहे होंगे, इसमें हमने सारे टेंडेंस को, देखिए ये सामने मेरे सारे टेंडेंस जा रहे हैं और वर्टिकल्स भी जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकल्स को हम कैसे कैसे इसको प्लेस करते हैं, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, अगर देखिए ये जो मेरा एक एरिया है, यहाँ से ये जो है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मीटर के आसपास है। तो मेरा ये जो एक गाला बनता है अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मीटर के आसपास बनता है। अगर मैं बात करूँ, ये मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं 1.5 मीटर और कहीं 1 मीटर भी हो सकता है, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट पर जहाँ पर मैं आपको ये पीटी स्लैब के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ मेरा ये अप्रॉक्सीमेटली 1.25-1 मीटर के आसपास का ही मेरा जो एक गाला बनता है वो है। तो इसीलिए हम ये पीटी स्लैब को हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मैंने इसीलिए इस टॉपिक के लिए आपको साइट विजिट पर लेके आया, क्योंकि अगर मैं साइट विजिट पर ना लेके आता तो आप में से कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रहती कि पीटी स्लैब कैसे दिखती है, कि उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, क्या क्या एफर्ट्स हम लगाते हैं पीटी स्लैब में। तो दोस्तों, यही इसका मटेरियल है, जो टेंडेंस आप देख रहे हैं, एंड ये जो वायर मैंने आपको दिखाया, इसके बाद इसको टाइट करने के लिए बाद में जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है वो इन टेंडेंस को टाइट करने के लिए आएगा, और ये कास्टिंग के बाद आएगा। जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है 8-10 घंटे बाद जब ये डल जाएगी, तो अपनी इनिशियल स्ट्रेंथ को जब अटेन कर लेगी स्लैब, उसके बाद आएगा वो करने के लिए। तो ऐसे हम पीटी स्लैब को करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक था हमारा आज का ये, और मैं चाहता हूँ कि जो आपके यार दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, और जो सिविल रेलेवेंट लोग हैं, आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है आपके लिए। आप इंटरव्यूज में भी जाएंगे तो पीटी स्लैब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप
ये इस वीडियो की मदद से पीटी स्लैब का आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं बड़े इजीली। यही मेरा मोटिव था इसको बनाने का। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, एंड अगर इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन है आपको तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर आंसर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।